हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे दिन आते हैं ना, या फिर एक फेज आता है जब हमें ये लगता है हमारे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही, हर चीज़ नेगेटिव, आई मीन जिस चीज़ पे हाथ लगाओ वही उल्टी पड़ जाती है। ऐसे टाइम से निपटने के लिए आप क्या करते हो? वेल, मैं हूँ आपके साथ खनक, आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। आई मीन ये वाला जो स्लाइस है ना, थोड़ा नहीं पूरी तरह ही खट्टा, और कईयों के पास तो एकदम कड़वा टाइप का ही आ जाता है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आपको पता है सबसे पावरफुल हथियार हम सबके पास होता है, लेकिन हम उसका रेयरली इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, यू गेस्ड इट राइट, मेमोरीज, मीठी मीठी यादें। एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपको अपनी जॉब में कुछ बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वैसा नहीं मिल रहा, या आपको करना तो कुछ और चाहते थे, कोई और जॉब चाहते थे लेकिन करनी पड़ रही है कोई और, रीज़न कुड बी एनीथिंग, तो ऐसे में ना याद करना चाहिए अपना वो वाला टाइम जब आपका फर्स्ट डे था जॉब का, कितने एंथुजियाज़म से भरे हुए थे, या फिर जब आपको अपने बॉस से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर, या फिर जब आपको अचीवर्स अवार्ड मिला था पूरे ऑफिस के सामने, तालियों की गड़गड़ाहट, वाओ। देखा, जस्ट अभी सोच ही रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं तो अपने अंदर कैसी फीलिंग आ रही है। और फैमिली मैटर्स से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा चल रहा है, बेटा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, तो याद कीजिए उस दिन को जब उसका बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो उसने आपको कैसे गले लगाया था। इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आप ये कहेंगे हमारे पास ना हैप्पी मेमोरीज़ का स्टॉक बड़ा कम है, तो कोई नहीं, फ़ोटो एल्बम्स तो होंगी, उन पिक्चर्स को निकालिए। उससे बेहतर चीज़ मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई है, और वो इस तरीके से आपके दिल और दिमाग को रिचार्ज करती है ना पुरानी पिक्चर्स एल्बम की, जैसे मोबाइल को हम चार्जर से चार्ज करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही इफेक्ट आ जाता है। नई एक्सपीरियंस तो कोई नहीं, थोड़ी देर बात करके देख लेना। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अक्सर अपनी जिंदगी के पन्नों को ना पलटना चाहिए, होने के लिए कुछ भी नहीं है, बुरा समय भी बीते दिनों की बात बनकर रह जाएगा, ट्राई करके देखिए। एक्चुअली वो जो मेथड्स है ना इफेक्टिव है। एक छोटा सा शिफ्ट, या फिर कह सकते हैं एक छोटा सा चेंज जरूर आ सकता है आपकी लाइफ में, इन केस अगर आप अपने घर में परचेजिंग करते हैं, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने की। नहीं विश्वास तो कोई नहीं, लेकिन पहले ये तो सुन लो, एक बड़ी सी कॉरपोरेट कंपनी में राघव जॉब करता था, और पता है उसके ऑफिस से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती थी फ्रूट्स लेकर। राघव का रूटीन था, रोज़ वहाँ से निकलता और 1 किलो संतरे उस अम्मा से ख़रीदता, और एक संतरा वहीं छील के उसका फर्स्ट स्लाइस अपने मुंह में डालता, और डालते ही कहता, लो अम्मा इतना फीका संतरा बेचती हो। ये सुनते ही वो अम्मा कहती, नहीं बेटा फीके तो नहीं है। इस पर राघव कहता, ये देखो खाकर देखो, तो वो संतरा उस अम्मा को खिलाता। खाने के बाद अम्मा बोलती, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। और ये रूटीन राघव का डेली होता था, डेली उसने संतरा खरीदना, उसमें से एक संतरा लिया, एक स्लाइस खाया, फिर उस अम्मा को खिलाया। उसकी वाइफ उसका ये एटीट्यूड रोज़ाना ऑब्जर्व करती थी। फिर उसने एक दिन उससे पूछ ही लिया, तुम जानते हो कि वो संतरे मीठे हैं, और मीठे नहीं बहुत मीठे हैं, फिर तुम रोज़ उस अम्मा से ये शिकायत क्यों करते हो कि वो फीके हैं। इस पर राघव कहता, मुझे पता है कि वो संतरे मीठे होते हैं, लेकिन तुम बताओ वो अम्मा गरीबी के कारण सिर्फ फ्रूट्स बेचती है, खुद तो खाती नहीं, इसी बहाने मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक संतरा उसके मुंह में तो जाता है। और दूसरी तरफ उस फ्रूट्स बेचने वाली अम्मा के बगल में ही एक सब्जी बेचने वाली महिला भी होती थी, वो उसको कहती थी कि बहन जी जब भी ये लड़का आता है हम देखते हैं तुम इसको थोड़े फालतू ही देती हो संतरे तोलकर, ऐसा क्यों? इस पर वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है जो वो रोज़ मेरे से संतरे खरीदता है उसे लगता है कि मुझे पता नहीं चलता, वो प्यार ही प्यार में मुझे एक संतरा रोज़ खिला कर जाता है, तो जब उसके लिए मैं संतरे तोलती हूँ तो प्यार ही प्यार में मैं न जाने कितने तोल जाती हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं रहता। हाउ स्वीट ना, मतलब हम में से कितने लोग अपने फ्रूट वाले भैया के साथ ऐसा करते हैं? नहीं ना, हमारे तो कई बार दिमाग में ही नहीं आता कि ये भी एक वे है किसी दूसरे के चेहरे पर स्माइल लेकर आने का, या किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने का। जिंदगी का एक टुकड़ा, आ चख ले जरा।